सुप्रभात दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग का कमेंट आया था कि आप सुबह का अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाइए। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन के साथ। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मैं डेली सुबह 4 बजे भोर में उठ जाती हूँ। लगभग आधे घंटे तक टहलती हूँ, इसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ। शाम का जो खाना बनाई रहती हूँ, चूल्हे में जो राख रहते हैं उसे बाहर निकालती हूँ और चूल्हे की भी लिपाई पुताई करती हूँ। ये सब काम करने के बाद मैं जाती हूँ नहाने, इसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। दोस्तों, आप लोग तो मेरी साड़ी देखकर सोच रहे होंगे कि नहाई कहाँ, तो ऐसी बात नहीं है। आज मुझे वीडियो शेयर करना था, इसलिए मैं सुबह ही नहा ली हूँ। सुबह नहाने के बाद ये सब काम कर रही हूँ। तो चलिए, मैं भगुने में लेप लगा लेती हूँ और मैं कुकर में दाल बनाऊंगी, तो कुकर में भी मिट्टी का लेप लगा लेती हूँ। दोस्तों, आज सुबह के खाने में मैं बनाऊंगी दाल, चावल और करेले की सब्जी। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी चावल। चावल बनाने के लिए मैं चूल्हे में आग जला लेती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ डेली दाल, चावल और कोई चीज़ की सब्जी तो बनाई ही जाती है, तो आज मैं आप लोगों के बीच शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए। आग जलाने के बाद चूल्हे पर रखती हूँ भगुना। भगुने में डालूंगी पानी। पानी को गर्म होने के लिए एक प्लेट से ढक देती हूँ। जब तक पानी गर्म हो रहा है, इधर मैं चावल को धोकर साफ कर लेती हूँ। प्लेट को हटाकर चावल को डाल देती हूँ। जब तक चावल हमारा पक रहा है, इधर मैं आलू का छिलका उतार लेती हूँ। हल्का सा करेले का भी छिलका उतार लेती हूँ। करेले का छिलका उतारने से इसमें का कड़वापन जो होता है वो दूर हो जाता है। चलिए, इधर चूल्हे की तरफ भी देख लेते हैं। चावल हमारे पकने लगे हैं और इसमें से जो माड़ है ऊपर आ रहा है, तो इसे मैं निकाल देती हूँ और एक बार इसे चला भी देती हूँ। आलू का छिलका उतारने के बाद इसे मैं पतले पतले पीस में काट लेती हूँ। इधर हमारे चावल भी पक गए हैं, इसे मैं चूल्हे से नीचे उतार देती हूँ। अब मैं चूल्हे पे रखती हूँ कुकर। कुकर में मैं पानी डालती हूँ गर्म होने के लिए। दोस्तों, चावल को मैं बना ली हूँ, दाल पकना अभी बाकी है। जब तक पानी गर्म हो रहा है, इधर मैं सब्जियों को काट छाट कर तैयार कर लेती हूँ। चलिए, अब मैं इसे साफ पानी से धो लेती हूँ। सभी सब्जियों को 2-3 पानी से धोकर साफ कर ली हूँ। अब मैं दाल को भी धो लेती हूँ। कुकर का ढक्कन हटाकर देखते हैं, पानी हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी दाल। दाल में जो उबाल आ रहे हैं इसे मैं पलटे से निकाल देती हूँ।
अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, सभी को डालने के बाद कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। जब तक हमारे दाल पकेंगे, इधर मैं करेले को पीसेस में काट लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कुकर सीटी भी दे दिया, 3 से 4 सीटी लगाएंगे। इसके बाद मैं इसे चूल्हे से नीचे उतार देती हूँ। चूल्हे पे रखती हूँ कढ़ाई, कढ़ाई में डालूंगी सरसों का तेल, तेल को गर्म होने के बाद इसमें मैं पचफोरन का तड़का लगाऊंगी। पचफोरन को चटकने के बाद कटा हुआ प्याज डालूंगी। दोस्तों, अगर प्याज का मात्रा ज़्यादा रहेगा तभी करेले की सब्जी अच्छी बनेगी। प्याज हमारा हल्का लाल हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी करेले। करेले को डालने के बाद इसे मैं पलटे से चलाऊंगी और आंच को धीमा ही रखूंगी। करेले को मैं कुछ टाइम तक ढककर पकाऊंगी और आंच को धीमा ही रखूंगी। थोड़ी देर बाद थाली को हटाकर देखती हूँ, करेले हमारे काफ़ी नरम हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट को डालने के बाद अच्छे से चला देती हूँ। अदरक लहसुन को डालने के बाद इसे भी मैं थोड़ी सी भून ली हूँ, जिससे अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है। फिर से इसे मैं एक बार चला देती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ आलू। करेले को मैं थोड़ा थोड़ा साइड लगा देती हूँ और जो बचा हुआ बीच में तेल है इसी में मैं आलू को डालूंगी। इसके बाद मैं इसे जो करेला किनारे किनारे है आलू के ऊपर लगा देती हूँ इस तरह से। फिर इसे मैं एक थाली से ढककर पकाऊंगी। कुछ देर हो गए हैं तो मैं इसे एक बार चलाकर देख लेती हूँ। आलू और करेले नरम हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, कलौजी मसाला, सभी को डालने के बाद मसालों को अच्छे से चलाएंगे ताकि मसाले अच्छे से आलू और करेले में मिल जाएं। अब मैं इसे एक थाली से ढक देती हूँ। दाल में छौंका लगाने के लिए कलछुल में तेल डालती हूँ। तेल गर्म होने के बाद इसमें मैं डालूंगी जीरा, चुटकी भर हींग। हींग डालने से दाल का जो टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे खाना पचाने में भी सहायता करता है। अब मैं इसमें डालूंगी सूखा हुआ लाल मिर्च। छौंका हमारा तैयार हो गया है, अब मैं दाल में छौंका लगाती हूँ। छौंका लगाने के बाद दाल को एक बार अच्छे से चला देती हूँ। ये देखिए दाल हमारा रेडी हो गया है बनकर। इधर करेले की सब्जी भी बनकर तैयार है।
आइए खाना को परोसते हैं। इसमें हम निकालेंगे चावल, दाल, करेले की सब्जी। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।